भाई और बहनों, मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। सो लेट्स प्ले माइनक्राफ्ट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सारे विलेजर्स यहाँ से बाहर कैसे आ गए। ये अपना आयरन फार्म था जो मैंने पहला, मेरा सबसे पहला बनाया हुआ फार्म था, जिसको मैंने अभी तोड़ दिया है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक न्यू आयरन फार्म जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आयरन मिलने वाला है। और ये सब के सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो भाई? वो विलेजर्स भी घूर रहे हैं ये पहले वाले फार्म से। ऐसे मत घूरा करो भाई, डर लगता है। तो आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं हम एक मेगा आयरन फार्म, जिसके डिज़ाइन का क्रेडिट जाता है हेक्स गेमिंग को। उन्हीं का ये आयरन फार्म देख के मैं बना रहा हूँ अपने वर्ल्ड में, क्योंकि भाई उसमें से बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है भाई। आज दिखाऊंगा कितना आयरन मिलता है। मैंने इस फार्म के लिए 40 बेड का इंतज़ाम करा है, जो 20 बेड वहाँ से लेके आए थे वहाँ पर थे वो 20 बेड, और मैं एक्स्ट्रा 20 बेड लेके आया हूँ। 20 बेड और 20 फ्लेचिंग टेबल्स, ये अपना पूरा सेंटर होगा। अरे मैंने इसको तोड़ क्यों दिया? तो भाई और मैंने ये जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है वो लगभग 8 या 9 ब्लॉक्स का होगा, 9x9 ब्लॉक्स का। मैंने सेंटर जानबूझ के मार्क करके रखा है। और अभी अपने को चाहिए होंगे बहुत सारे ग्लास, तो फिलहाल मैं थोड़ा मार्किंग कर लेता हूँ। मैं जो है 7-7 ब्लॉक का, मतलब 15x15 का जो है ये बनाने वाला हूँ चेम्बर, जहाँ पर विलेजर्स रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर फिलहाल ग्लास लगा देते हैं। अब ऐसे सबसे हर जगह पे 7-7 ब्लॉक पे पहले लगा लेता हूँ ग्लास। तो सबसे पहले जो है सारे ग्लास को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं ज़मीन पर नहीं बना रहा हूँ, इसलिए 2 ग्लास की लेयर लगेगी। ओके, अभी फ्लेचिंग टेबल्स को लगाने की बारी, ताकि सारे विलेजर्स यहाँ पर जॉब कर सके। अब जो वहाँ पर गए हुए विलेजर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाने के लिए, इसलिए मैंने ऊपर छत नहीं लगाई है। तो एक की मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ऐसे एक ब्लॉक छोड़ते छोड़ते, कॉर्नर्स के 2 ब्लॉक छोड़कर और बीच का एक ब्लॉक छोड़कर मैं हर जगह पर ऐसे फ्लेचिंग टेबल्स लगाने वाला हूँ साइड पर। और बच्चे कुछ जो फ्लेचिंग टेबल्स होंगे उनको मैं ज़मीन पर लगा दूंगा, ज़मीन के ये स्टोन ब्रिक्स तोड़कर वहाँ पर मैं लगा दूंगा। ऐसे 40 फ्लेचिंग टेबल मुझे अलग अलग जगह पर लगाने हैं। एक साथ लगाऊंगा तो थोड़ी ये भीड़ हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा थोड़ा ही दूर दूर पर लग तो जाएंगे, ताकि हर ये विलेजर जो है अपनी जॉब से कनेक्टेड रहे। ठीक है, अब विलेजर्स को लाने की बारी। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही विलेजर आया हुआ है, दूसरा विलेजर किधर है? मेरे को सारे विलेजर्स को लाना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये देखो इधर उधर भटक रहा है, वो देखो पानी में। ये क्या कर रहे हो, क्या करने की सोच रहे हो भाई? अरे जाओ ना उधर, फ्लेचिंग टेबल तुम्हारे लिए वेट कर रहे, जाओ ना। अबे यार, इनको मैं लीड से भी नहीं लेके जा सकता। आयरन गोलम को तो मस्त लीड से लगा के जा सकता हूँ। एक अपना ईमानदार फ्लेचर आ गया, बाकी के 19 फ्लेचर आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। रुको, इनके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे ये आ रहा है, इसको धकेल दो यहाँ, इसको धकेलते धकेलते अंदर लेके जाता हूँ। चल चल अंदर। अबे कैसा विलेजर है, अंदर जाना, कूदना अंदर, उधर अंदर फ्लेचिंग टेबल है, इधर ऊपर खड़ा है ये। ओके, अब यहाँ से भाग नहीं सकते ये लोग। ओके, तो अभी 2 ब्लॉक हाइट हो चुके हैं। तीसरे ब्लॉक के ऊपर ये मैं स्टोन ब्रिक्स लगा रहा हूँ। स्टोन ब्रिक्स ख़त्म हो गए, पूरे स्टोन ब्रिक्स से जो है मैं पूरा एरिया कवर करने वाला हूँ। ओके, तो मैंने बीच का सेंटर ब्लॉक छोड़ के हर जगह पर स्टोन ब्रिक्स लगा दिया। सेंटर ब्लॉक इसलिए छोड़ा ताकि मुझे आयरन वहाँ से कलेक्ट कर सकूँ मैं कलेक्टिंग सिस्टम यहाँ पर नीचे ही बनाऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसे गोल गोल 40 बेड्स जो अपने पास हैं वो 40 बेड्स यहाँ पर लगा लेते हैं। चलो बेड लगाओ। ये यहाँ पर क्या चल रहा है? वाह, अबे सालो, तुमको अंदर घुसने को बोला तो अंदर गए नहीं। अब यहाँ पर इनकी ब्रीडिंग चालू हो गई। साला सबसे पहले बेड लगा लेता हूँ, इनकी खबर मैं बाद में लूँगा। अंकल अंकल, मुझे बाहर खेलने जाने दो ना। चलो अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो है बीच का होल को कंटिन्यू करते हुए हर जगह पे स्टोन ब्रिक्स मुझे लगाने हैं। ये लो आ गए सोने के लिए। मैंने तुमको अंदर जाने को बोला, गए नहीं। अब भूख तो ये लगा दिया, बाकी का बाद में लगाऊंगा।
तो बेड्स के ऊपर जो है ऐसे 8x8 का प्लेटफॉर्म बनेगा। लेकिन सबसे पहले अपने विलेजर्स को खाना दे देते हैं ताकि वो ब्रीडिंग करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके, 40 विलेजर्स तक जा सके। कोई विलेजर आए नहीं, अबे कैसे विलेजर हो बे, 4 विलेजर्स और 2 बेबी विलेजर्स। चलो अभी इनका ब्रीडिंग चालू करो बे। हैं, लगता है मेरे को देख रहे हैं इसलिए कर नहीं रहे ब्रीडिंग। चलो मैं साइड में हट जाता हूँ। ओके, चालू हो गई ब्रीडिंग। अभी सबसे पहले जाके अपनी बिल्लियों को लेके आते हैं। 5 बिल्लियाँ, मतलब मेरे पास तो 4 ही बिल्लियाँ हैं। मेरे पास 5 बिल्लियाँ थी लेकिन एक बिल्ली भाई आग में जल के मर गई। एक्चुअल में उसको किसी शीप या फिर काऊ या फिर पिग ने लावा में धकेल दिया तो वो मर गई। अब ये जो बचे कुछ 4 बिल्लियाँ हैं इनको यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आयरन फार्म के अंदर बिल्लियाँ भी स्पॉन हो जाती है, मैक्सिमम 5। अगर मैं इन 5 बिल्लियों को यहाँ पर ये रख दूँ, सेटल कर दूँ, तो आयरन गोलम और ज़्यादा तेज़ी से स्पॉन होगा। वरना पहले बिल्ली स्पॉन होगी, वो मरेगी, उसके बाद में आयरन गोलम स्पॉन होगा, तो बहुत देर हो जाती है। तो इसलिए ये 4 बिल्लियाँ यहाँ पर रख देते हैं। 5वीं बिल्ली को बाद में टेम कर लेंगे, वो वैसे भी वापस से हो जाएगी, स्पॉन हो जाएगी वापस से। अबे अंदर कहाँ जा रही हो? वो अंदर, अबे विलेजर हॉल के अंदर नहीं। तू तू ये क्या क्या कर रहा है? इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। तो इस प्लेटफॉर्म से लग के एक और प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जो कि होगा 7 ब्लॉक्स का। ये 8 ब्लॉक्स का है, ये आगे वाला प्लेटफॉर्म जो होगा 7 ब्लॉक्स का होगा। तो ये इधर टेम्परेरी डॉट, उसके ऊपर स्टोन ब्रिक। पहले स्टोन ब्रिक की ऐसी एक वॉल बना लेता हूँ। ओके, अब जो है इस ब्लॉक से 6 ब्लॉक्स आगे तक मुझे बिल्ड करके जाना पड़ेगा। पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ऐसे 6 6 ब्लॉक्स, मतलब एक 7 ब्लॉक्स। ये देखो बिल्ली स्पॉन भी हो गई, इसको बाद में टेम कर लूँगा, सबसे पहले इधर मार्क कर लेता हूँ मैं। ओके, तो अब हर जगह पर ये स्टोन ब्रिक्स लगा के इसको पूरी तरह से फिल कर लेते हैं। हाँ। तो तुम देख ही सकते हो 4 गोलेम्स अभी से स्पॉन हो चुके हैं। अभी इस बड़े से स्क्वायर के साइड में एक ब्लॉक की वॉल आएगी कुछ इस तरीके से। अब मैं ये पूरी तरह से इसको कवर करने वाला हूँ, पूरा स्क्वायर। यानी कि बाहों के लिए इस तरीके से स्टोन ब्रिक लगाऊंगा और ये ऊपर के साइड पे 4 स्टोन ब्रिक इस तरीके से आएंगे। अब यही चीज़ मुझे बाकी के तीनों तरफ करनी है, ठीक है। तो फिर ऊपर पानी डालने से पहले सबसे पहले ये 2 साइड के ब्लॉक तोड़ दो। यहाँ पर आएगी अपने डबल चेस्ट और फिर ये जो होल मैंने रखा है वहाँ पर आएगा एक हॉपर। हॉपर मैं दो यूज़ करूँगा हॉपर। एक हॉपर इस चेस्ट से कनेक्ट करके लगाऊंगा। तू कहाँ से बीच में आ गया? दूसरा हॉपर इसी हॉपर के ठीक ऊपर मैंने लगा दिया। अब जो है यहाँ पर लावा की बारी आएगी, तो उसके लिए मुझे चाहिए होंगे साइन बोर्ड्स और लावा बकेट। तो हॉपर के ऊपर एक साइन बोर्ड और उस साइन बोर्ड के ऊपर एक और साइन बोर्ड। ओके, ये ठीक है क्या? नहीं, अभी और चाहिए होगा। रुको, ये स्टोन ब्रिक से चढ़ा के ऊपर, अभी इस एक और साइन बोर्ड के ऊपर एक और साइन बोर्ड, ठीक है। तू क्यों आ रहा है बीच में? खैर, इसको तोड़ लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। अब जो है इस साइन बोर्ड के सामने एक साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा। रुको, स्टोन ब्रिक तोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब इस स्टोन ब्रिक और इस साइन बोर्ड के आगे एक साइन बोर्ड, इसके साइड में भी एक साइन बोर्ड, इसके पीछे भी एक साइन बोर्ड और इसके वापस से एक और दूसरे साइड में भी साइन बोर्ड। अभी जो साइड साइड के साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं उन साइन बोर्ड्स के ऊपर मुझे साइन बोर्ड्स लगाने पड़ेंगे। रुको, अभी ऐसे नहीं पता चलेगा, कुछ इस तरीके से चढ़ना पड़ेगा। ओके, ये साइड वाले साइन बोर्ड के ऊपर एक और साइन बोर्ड। ओके, अब लावा बकेट के बारी। तो ये जो साइन बोर्ड्स मैंने लगाया हुआ है इनके बीच में मैं जो है लावा डालूंगा ताकि वो लावा इधर उधर कहीं पर भी ना जाए, ना ही वो नीचे जाए, ना ही साइड में और कहीं पर भी नहीं। अब ये लावा डाला तो ये देखो सेंटर में ही वो स्टेबल है, लावा बिल्कुल भी नीचे या फिर ऊपर कहीं पर भी नहीं जाने वाला। ऊपर कैसे जाएगा? ग्रेविटी इसमें काम करती है।
अब ये जो कॉर्नर्स वगैरह जो है, कॉर्नर्स और ये सारी वॉल्स, यहाँ पर मुझे वाटर डालना है। तो चलो काम डन, अब अपना आयरन फार्म पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। चलो सबसे पहले चेस्ट खाली करते हैं। वैसे नॉट बैड, अच्छा तो है, एक स्टैक तो मिल गया। खैर सबसे पहले चेस्ट खाली कर लेता हूँ और 10 मिनट एएफके करके देखते हैं कितना आयरन हमको मिलता है इसमें से। Minutes later. What? तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी मजेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।